साइक्लोथोन यात्रा राव तुलाराम स्टेडियम से महेंद्रगढ़ जिले के लिए हुई रवाना। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने खुद साइकिल चलाकर नशा मुक्त हरियाणा बनाने का दिया संदेश। इस मौके पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, साइकिल यात्रा से दिया जा रहा है नशा मुक्त हरियाणा बनाने का संदेश। तेजी से फैल रहा है देश में नशे का कारोबार, नशे की गिरफ्त में जा रहे पड़ोसी राज्य के युवा। पुलिस को दिया निर्देश, नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई। भारत देश युवाओं का देश, युवा नशे से रहे दूर। अभिभावकों से बच्चों को नशे से दूर रहने का किया आह्वान। इस मौके पर डीसी राहुल हुड्डा, एसपी दीपक सहारण, एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल, एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह व एसडीएम बावल जितेंद्र सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज साइक्लोथान जो साइकिल यात्रा 1 तारीख से करनाल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की थी, उसका आज रेवाड़ी से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। और ये जो नशा मुक्ति के संदर्भ में लोगों को एक जागरूक करने के लिए ये साइकिल यात्रा शुरू की गई है और पूरे प्रदेश के अंदर ये यात्रा जाएगी। और जो नशा हमारे प्रदेश में, देश के अंदर जो नशा फैल रहा है उसके बारे में जागरूकता लोगों को देगी, ताकि हमारा जो यंग जनरेशन है वो नशे से बचे और एक अच्छा राष्ट्र हमारा बन सके। इस योजना के तहत ये यात्रा शुरू की गई है। आज रेवाड़ी के अंदर भी भारी मात्रा में बच्चे इकट्ठे हुए हैं और बहुत अच्छा एक जोश और एक अच्छा प्रदर्शन रेवाड़ी शहर के अंदर देखने को मिला। और इससे ये लगता है कि हमारे जो युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, वो इस नशे से दूर रहना चाहते हैं। यही मैसेज ये आज की जो रैली है, इतनी भारी जो एक यात्रा है ये दे रही है। तो मैं रेवाड़ी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। और यात्रा अभी भी चल रही है और काफ़ी लंबी ये यात्रा